कहा था कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। और ये भी कहा था कि चार पदार्थ जो सृष्टि के हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बाकी तीन को मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए। लेकिन जीना कैसे चाहिए? सर्वोत्तम जीवन है आत्मा का मुक्तावस्था में रहना, सोल का फुल फ्रीडम में रहना। हम इसको फ्रीडम देते नहीं। आत्मा हमें कुछ कहती है, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि सुने ही नहीं जो बोल रही है, सुने ही नहीं हमें तो, और सुन गया है तो सारी बुद्धि लगानी है ये समझाने में आत्मा को कि तुझे दुनिया की समझ नहीं है, हमें तो। आत्मा पराधीन अवस्था में शरीर में रहती है। पहली पराधीनता तो यही है कि इस चार दीवारी के अंदर कैद है। जब तक इसके कर्म बंध पूरे नहीं होंगे वो निकल नहीं सकता, और निकलेगी फिर नया कारागार मिले, और नहीं मिलेगा तो भटकती फिरेंगे। तो पराधीन अवस्था तो है, ब्रह्म का अंश होकर भी आत्मा पराधीन है। और जो चीज उसको मुक्तावस्था में आने से रोकती है वो है हमारा अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह ये चारों अहंकार के नीचे हैं, सबसे बड़ा शत्रु अहम। गुरु नानक ने अहम को हउमै कहा। हउ ब्रजभाषा का शब्द है, इसके मैंने भी मैं, और दूसरा तो मैं है ही हिंदी का साथ। तो एक बार नहीं गुरु नानक ने कहा मैं दो बार हाईलाइट किया, मैं हउमै शब्द बनाया। और बहुत सिंपल सी भाषा में कह दिया हउमै नावै नाल विरोध है, दोहू न बस ही एक ही ठाऊं। अहंकार और स्मरण नाम दोनों का विरोध, एक जगह दोनों इकट्ठे नहीं होते। तो अगर हमारा अहंकार भी जीवित है तो फिर हम जितना भी ध्यान कर लें, जितनी भी पूजा वंदना कर लें, जितना भी नाम ले लें, विरोध तो रहेगा। तो पहले विरोध को हटाएं। और अहंकार इतना बारीक इतना सटल है कि इसको डिसाइफर करना आसान नहीं है। आपका बेटा परीक्षा में फर्स्ट आया सारे स्कूल बोर्ड में, आपको खुशी हुई कि अहंकार हुआ? बेटे पर गर्व है कि अहंकार है? इसका निर्णय करना बड़ा कठिन। तुम्हारी बुद्धि कहेगी मैं कहां अहंकार कर रहा हूं, मैं तो गर्व कर रहा हूं, और गर्व होना चाहिए, बेटा फंस गया। तो
तुमने कार खरीदी 8-10 लाख की, गर्व हुआ कि अहंकार हुआ? नहीं, दोनों इकट्ठी नहीं होती कभी, दोनों इकट्ठी नहीं होती, या गर्व होगा या अहंकार होगा। परीक्षा कहाँ होगी? किसी कारणवश कार छीन गई, साइकिल खरीदने की स्थिति में भी नहीं हो, तब कितना रोते हो, कितना दुखी होते हो, ये बताएगा तुमने गर्व किया था कार मिलने पे या अहंकार किया। प्राप्ति से नहीं पता चलता, हानि से पता चलता। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर खिए चारी। आपद काल मुसीबत पड़ती तब परीक्षा होगी तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे धर्म की, मित्रों की और जीवन संगिनी की। वाइस वर्सा भी है, पति की परीक्षा भी है, ऐसा नहीं पत्नी की है। तो अहंकार को आइडेंटिफाई करना होता क्या है, एक साधारण सा व्यू हम बना लेते हैं कि बस सारा दिन हाथ जोड़ के मरे दबे से रहो तो अहंकार नहीं होता। नहीं ऐसा, फिर गुरु नानक ने कह दिया, अपराधी दूना निभाए जो हंता मेर गाए। पशु को मारने के लिए अपराधी दुगना झुकता है, बिल्कुल जमीन पे लेट के तीर कमान कस लेता है, तो उसके झुकने को समर्पण नहीं मान सकते, उसके झुकने को उसका समर्पण मान ले नहीं, ऐसा नहीं। वो तो एक स्वार्थ में दूना झुक गया, कैसे खोजे? अहंकार बाधक है प्राप्ति में, और प्राप्ति की मेंटेनेंस में भी बात है। पूजा का अहंकार ही हो जाता है लोग, तो मेरे जैसा भक्त कोई, ये भी अहंकार। मैं 40 साल में मैंने कभी नागा नहीं किया, रोज सवेरे मंदिर जाता हूँ, इसका ही अहंकार हो। क्या फायदा हुआ भाई तेरी 40 साल की साधना का? अगर 40 साल की साधना का फल अहंकार का पोषण है तो फिर काहे की साधना थी? क्या कर लिया, क्यों कर लिया? फिर मांगने में अहंकार। किसी ने कहा 40 दिन हनुमान जी की मूर्ति पर दिया जलाओ तो ये काम तुम्हारा हो जाए, और तुमने शुरू कर दिया और 40 दिन निकल गए, काम नहीं हुआ। आज से मंदिर जाना ही, घर में पड़ी थी मूर्ति उठा के मंदिर में दे दी, पंडित जी को ले जाओ महाराज, हमें हुआ क्या? आहत हुआ। क्या आहत हुआ तुम्हारा? अहंकार आहत। चोट अहंकार को पड़ी कि मैंने 40 दिन सेवा की और मुझे फल नहीं मिला। सुनते आए हैं भगवान भक्तों के दिल में बसता है, भगवान भक्तों के साथ रहता है, बड़ी सहायता करता है, बड़ा उठा के आसमान पे ले जाता है, बड़ा कुछ सुन रखा था, हमें तो कुछ नहीं दिया। तो आहत क्या हो रहा है? अहंकार आहत। शरीर को कोई हानि नहीं हुई, बुद्धि को, मन को कहीं कोई हानि नहीं हुई, केवल अहंकार को चोट लगी और परमात्मा पर से आस्था हिल। मृत्यु हो गई, आस्था हिल, हानि हो गई, कारोबार में नुकसान हो गया, आस्था हिल। हर जगह अहंकार चोट खा रहा है और अहंकार से चोट सहन नहीं हो रही। जब भी क्रोध आएगा तुम्हें देख लेना, कभी एनालिसिस करके
उसके पीछे तुम्हारा अहंकार चोट खाया हुआ भूलेगा। जब भी क्रोध आए, कहीं अहंकार आहत हो, माँ ने मारा बच्चे के थप्पड़ जोर से, क्या हुआ? मेरा कहना नहीं मान रहा, कहना नहीं मान रहा, अहंकार आहत हो रहा है, मेरा पैदा किया हुआ बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, स्कूल में मास्टर ने मार दिया, मैंने कहा था ऐसे लिख, मैंने कहा, मेरी नहीं मानी, मेरे अहंकार को चोट, बाप ने मार दिया बच्चे, अहंकार को। तो सारा दिन व्यावहारिक जीवन में जहाँ जहाँ हमारा अहम आहत होता है वहाँ वहाँ हम क्रोध में आते हैं, और जब हम क्रोध में आते हैं तो शरीर में उत्तेजना होती है, और उत्तेजना में हम जो कुछ भी करते हैं वो गलत ही गलत होता है, क्योंकि असहज अवस्था का नाम उत्तेजना है, सहज अवस्था में उत्तेजना नहीं है। अब तुम सब बैठे हो, सहज बैठे हो, कोई उत्तेजना नहीं, लेकिन किसी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ चारों तरफ आग लग जाए अचानक, तो उत्तेजना होगी भागने की, जान बचाने, तब विवेक काम नहीं करेगा, किसी के ऊपर से भी निकल जाओगे, ऐसी भगदड़ में लोग मरते हैं, अपनी पड़ी होगी, दूसरे की। कई बार अफवाहों पर होता है, किसी मंदिर में अफवाह फैली थी बम की और कितने लोग मारे गए, भाग लिए सारे। अहंकार के प्रति चैतन्य रहना अहंकार से लड़ने का एकमात्र हथियार है। या स्टेट ऑफ अवेयरनेस, चैतन्य अवस्था, आठ लाख की कार खरीदी, ना गर्व करो ना अहंकार करो, धन्यवाद करो, शुक्र है प्रभु तेरा तूने ये दी, और ये कहो नहीं, ये मन से मान लो अंदर से, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसमें लिखा है, जब जागे तब भोर में, झूठ पे बुलेने या घट पे तुलेने या पर वाहेगुरु तेरा नाम ते जपेने, तो कम तोलना झूठ बोलना लेकिन उसका नाम साथ में लिए जाना, कंपेंसेशन कि उसको भी धोखा दे रहा है, अपने को भी दे रहा है, उसको भी बेवकूफ बना रहा है कि मैं तेरा नाम ले रहा हूँ, जैसे वो अपना नाम लेने को सृष्टि चला रहा है कि मेरा नाम लेती रहती हूँ। अहंकार समर्पण नहीं होने दे, और समर्पण के बिना आत्मा की मुक्तावस्था नहीं। कुरान में आता है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले फरिश्तों को हाजिर किया अपने सामने, और उनसे दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न, मैं तुम्हारा खुदा हूँ कि नहीं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो। बोला दूसरी, तुम मेरी गुलामी स्वीकार करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा कि करते हैं। लेकिन ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, समर्पण के लिए कोई लक्ष्य तो हो, कहाँ? तो लक्ष्य ब्रह्म है, सीधा ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म के साधन ढूंढ रहे हो। तुम कहते हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म, तो यहाँ कर लो समर्थ, करना पड़ेगा, अहंकार नहीं करने का। अहंकार सहारा लेता है बुद्धि का, और बुद्धि के पास बड़ा बहुत कुछ है देने के लिए। बुद्धि तो अर्थ का अनर्थ कर देगी, अनर्थ का अर्थ कर देगी। बुद्धि के घोड़े तो खूब दौड़ते हैं, जितने मर्जी दौड़ा
ये तो हर काम को जस्टिफाई कर देंगे, कोई गलत काम कर लो जस्टिफाई। अपने अहंकार से लड़ना है, और लड़ने के लिए केवल चैतन्य अवस्था में रहना है और कुछ नहीं करना। कोई हथियार है नहीं इससे लड़ने का, चैतन्य रहो कि मेरे अंदर अहंकार नहीं आए। दूसरा कोई बता भी नहीं सकता, मैं नहीं बता सकता कि रमेश तुम्हारा यहाँ अहंकार बोल रहा है, इसी को पता है। मैं नहीं बता सकता, कोई किसी का नहीं बता सकता, क्योंकि अंदर चल रहा है तुम्हारा, विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, तुम्हारे व्यवहार से भी नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा अहंकारी भी बहुत विनम्र हो सकता है पब्लिकली, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो अहंकारी नहीं है? अहंकारी तो है, लेकिन उसने एक पब्लिक पोस्चर विनम्रता का रखा हुआ, इससे नहीं अंतर था। तुम्हारे व्यवहार से नहीं, तुम्हारी सोच से अंतर। पाप करने से नहीं होता, पाप सोचने से भी होता है, क्योंकि पहले भाव जन्म लेता है फिर कर्म आता है। पहले मन में भाव उत्पन्न होगा किसी व्यक्ति के प्रति दुराग्रह का, किसी के अहित का भाव पैदा होगा, फिर उसका अहित करने का एक्शन पैदा होगा, कर्म बाद में आएगा, पहले भाव। अगर भाव ही तुम्हारा दूषित है और उसको सुधरने कौन नहीं दे रहा? अहंकार। तो अपने अहंकार से लड़ना है, इसलिए जितना समय चैतन्य रह सको, जागृत रह सको। मैंने लिखा है उसमें, बहुत से काम हम नींद में ही करते हैं, बहुत से काम नींद में करते हैं, और आजकल हिंदुओं की शादियां नींद में ही हो रही हैं। तो पंडित बोले जा रहे हैं, ना कोई सुन रहा है ना कोई समझ रहा है। जैसे जैसे वो कहते हैं अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, चार चक्कर आके कटवा के छुट्टी हो। वो जो कुछ बोलता है ना कोई सुनता है ना कोई समझता है ना समझना चाहता है। तो फिर काहे को नींद में शादी कर रहे हो? कोर्ट में जाओ, अंगूठा लगाओ, करो खत्म हो। राम का पंडित जी पूजा रखे हैं, बीच में आग जला रखी है, क्या नहीं? कितने ही कर्म, एक नहीं, कितने ही कर्म हम निद्रा में करते चले जाते, सामाजिक रूप में भी, व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत अपने जीवन का अपना आप भी देखो, उसमें भी तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ अनजाने में कर लिया। तो क्यों कर लिया? क्योंकि जागृत नहीं। कोई किसी को आहत नहीं करता, आहत हम स्वयं होते। कितने लोग हैं तुम में से किसी को जिसने अचानक रात चलते हुए थप्पड़ मार दिया हो किसी ने, का अजनबी कोई नहीं? कितने हैं जिस किसी अनजान आदमी ने तुम्हारा अहित कर दिया हो? किसी ने? आहत हम स्वयं हो, क्योंकि हम अपने अहंकार को ऊपर ऊपर उठाते चले जाते, ये बढ़ता है घटता नहीं। और फिर एक दिन बिल्कुल जैसे सांप का फन खड़ा होता है, ऐसे फन बना के खड़ा हो जाता है, जरा सा छुओ तो टक मार, कह कैसे दिया मुझे, बस इसी बात पर सारी कहानी खड़ी हो गई। मेरी मिलनी नहीं कराई शादी में, सब छोड़ के आ गए, रिश्ता ही तोड़ दिया। तो क्या हुआ, क्या हुआ नहीं कराई? सुरखाब का परलक जाना था, वहाँ 25 हुई है, 26वां तू होता, क्या होता कि? और तू अगर मामा है तो उसके मामा भी कोई नहीं, किसी ABC ने मामा बन के कर लेनी थी, तूने उसके गले लग के क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कंबल जो दिया नहीं मिला, 100 रुपया जो दिया नहीं, उससे भी नहीं फर्क कराई। अहंकार आहत हो सारा दिन होता, अगर हम अवेयर हों तो फिर आहत ही नहीं होगा। अवेयरनेस क्या है? यही है कि उसकी मर्जी है, कराए ना कराए, फिर मैंने क्या लेना है, बस
फिर आहत नहीं हुई, फिर पीड़ा भी नहीं हुई, फिर रिश्ता भी नहीं टूटे। चैतन्य क्रोध आया है, चैतन्य अवस्था, क्रोध के क्रोध में कोई एक्शन नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये अवेयरनेस हो गई कि इस समय मुझे क्रोध आ रहा है, बस सिर्फ इतना कि इस समय मुझे क्रोध आ रहा है, इसके बाद कोई एक्शन तुम्हारे हाथ से होगा नहीं, तुम्हारी मुंह से कोई गंदी बात गलत बात निकलेगी, जस्ट वे। तो अवेयरनेस में जीना है, इसका प्रयास करो, इसका अभ्यास करो, क्योंकि यही अवेयरनेस अहंकार का शमन करेगी। अहंकार के शमन से समर्पण जागेगा, और जैसे जैसे समर्पण बढ़ेगा आत्मा की मुक्तावस्था आएगी, और जीवन जो है वो तुम्हारे लक्ष्य की तरफ, मोक्ष की तरफ चलेगा। ओम।